सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सतनाम पंथ के प्रवर्तक व महान समाज सुधारक संत गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि अब पहले से ज्यादा मनमोहक हो गई है। बलौदाबाजार से 40 किलोमीटर दूर तथा बिलासपुर से 80 किलोमीटर दूर महानदी और जोंक नदियों के संगम से स्थित गिरौदपुरी धाम छत्तीसगढ़ के सबसे सम्मानित तीर्थ स्थलों में से एक है। इस छोटे से गांव जिसमें आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक हित के गहरे संबंध है, छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ गुरु घासीदास के संस्थापक का जन्म स्थान है। इस क्षेत्र के एक किसान परिवार में पैदा हुए एक दिन वही छत्तीसगढ़ में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति गुरु घासीदास बन गया। तीर्थ यात्रियों ने उन्हें सीट पर पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचाया जो जेत खंभा के बगल में स्थित है। कहा जाता है कि उन्होंने और धारा वृक्ष के नीचे लंबे समय तक तपस्या की है जो अभी भी वहाँ है। इस पवित्र स्थान को तपोभूमि भी कहा जाता है। चरण कुंड एक पवित्र तालाब और वार्षिक गिरौदपुरी मेला की साइट है। यहाँ से एक और किलोमीटर प्राचीन अमृत कुंड स्थित है जिसका पानी मीठा माना जाता है। ऐसी ही खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवागढ़ राजा भट्टा जांजगीर चांपा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। भैया आप मन का नाम? घासी राम रात्रे गिरौदपुरी धाम। कितना पीढ़ी गुरु घासीदास बाबा जी के जो आप मन के जो चलते हैं? सातवां आठवां चलत है। दर्शनिक स्थल मापमन के घर में आते बाहर से? हाँ एक कदम आते हैं, अभी मंदिर नहीं बने थे कल नाम से। हाँ तभी मंदिर के प्रयास गवर्नमेंट का कि आपमन करा थे? गवर्नमेंट द्वारा होते। ठीक सर। बस कानम भाई आपमन के? मोर नाम अजय कुमार जांगड़े। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम खौना से। कहाँ से? ग्राम खौना से। कहाँ है आपमन? यहाँ गिरौदपुरी धाम। क्या करे आए? घूमने के लिए, बाबा जी के दर्शन के लिए आए। कितने वर्ष हो गए आप लोग को आते हैं? मेरे को यहाँ आते हुए करीबन 8 से 10 बार हो गया है बाबा जी के दर्शन के लिए। और फैमिली भी लेकर आते हैं? जी फैमिली भी लेके आए हैं, इस बार फैमिली के साथ आए हैं। ठीक सर।